गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स 6 o'clock राइट नाउ। हम लोग सुबह 4:30 को उठ गए थे बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू श्रीशैलम। एक्चुअली हम लोग हैदराबाद आए, तो यहाँ से श्रीशैलम इज 6 hours जर्नी। एंड हम लोग ने आज भी अगेन रेंटल कार बुक कर लिया है एक ही का ही, बिकॉज वी आर 7 members इन टोटल। सुबह बप्पा का दर्शन लेते हुए विल हेड टूवर्ड्स आवर राइड। सो हमारा अभी फर्स्ट स्पॉट है मैसी गंगी। इसके पहले हम लोग एक ब्रेक लिए थे, तभी हम लोग ने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर सब हमारा मॉर्निंग रूटीन्स भी हो गए तभी। सो पीछे में जो मंदिर है वो है मैसी गंगी, इट मीन्स इट गाँव देवी मंदिर टाइप ओनली। मैसी गंगी तेलुगु में बोलते हैं। एंड यहाँ से एंट्रेंस है, दिस इज द मेन टेम्पल। एंड यहाँ का एंट्री फी है 10 rupees। सिर्फ आपको उम्बाटा तक का दर्शन चाहिए तो इट्स 100 rupees। हम लोग ने 10 rupees का दर्शन लिया। एंड इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्पॉट होने वाला है रिंगी डैम आई गेस, और बीच में भी है एक साक्षी गणपति है। साक्षी गणपति का स्टोरी मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताऊँगी। This is the big ant hill wall here. ये जो है ये बहुत बड़ा एंट हिल है वारू, एंड उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी किया है यहाँ से। इसके अंदर है वो देवी है, बहुत बड़ा एंट हिल है। दिस इज द बिगेस्ट एंट हिल, ये पूरा वहाँ तक इतना बड़ा एंट हिल ही है। एंड दिस इज द टेम्पल। ये मैसी गंगी है और यहाँ पे जो देवी है उनका नाम है मैसम्मा। ये जो टेम्पल है, आपको श्रीशैलम को हैदराबाद टू श्रीशैलम जाते टाइम हाईवे पे आपको ये लगेगा मैसी गंगी। एंड ये है महाकाली का टेम्पल। ये हाईवे है, अभी गिंगी डैम को जाने के वे में हम लोग को एक छोटा सा ढाबा दिख गया, इन लोग को चाय पीना था एंड वॉशरूम्स भी जाना था। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। एंड यहाँ से सीधा वे गया तो गिंगी डैम है, एंड यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू अमराबाद टाइगर रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। यहाँ पे टाइगर्स भी आते हैं कभी कभी बीच में। एंड श्रीशैलम को जाते टाइम भी, एक्चुअली श्रीशैलम जो है पूरा अरण्य डीप फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से वो एक ज्योतिर्लिंग है। सो वहाँ पर भी जाते टाइम आप एक बार फॉरेस्ट एंटर करोगे, बीच में कहीं पर भी ना रुकना बिकॉज इट्स अ डेंस फॉरेस्ट। एंड कभी भी वहाँ पे रोड पे भी टाइगर्स वगैरह आते हैं, कभी कभी स्नेक्स तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, मंकीज भी बहुत रहते हैं। अभी बीच में मैंने सुना था कि कोई कोई के गाड़ी के सामने टाइगर्स आ गए थे। A few moments later. हम लोग अभी पहुँच गए हैं गिंगी डैम। एंड यहाँ पे सामने फिशेस भी मिलते हैं, शिंगदाना लोग फिश फ्राई करके भी देते हैं। इट्स रोहू आई गेस, वहाँ पे मसाला जान के रेडी है, फिश फ्राई रेडी करके देते हैं तल के, मस्ता। चलो जाविया, चलो मस्त गॉगल विगल लाओ ले, मैं जितने गॉगल में लाओ लिए। मैं यहाँ पे गॉगल घर पे ही भूल के आ गई है, बाकी सब अपने गॉगल है। इतना धूप है, गूगल वेदर फोकस दिखा रहा था कि यहाँ पे बारिश होगी, इसलिए मैं गॉगल लेना ही भूल गई। मॉर्निंग निकलने के टाइम याद आ गया, वापस से वो पेटी में कौन जाके निकलेगा, इसलिए मैं निकाली नहीं।
आलसपन है, आलसपन और कुछ नहीं। तेरा सब मम्मी निकल के दी चुप बस। बेटा मेरे बैग में था वो, समझी क्या? मम्मी ने नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ मैं। सेल्फ डिपेंडेंट वन सेल्समैन बैठते कहते पूछे थे लोग को सेल्फ डिपेंडेंट। ये जीने चढ़ के ऊपर जाना है। ए, मेरा पति था। चला वो थकले मस्त है यार। चढ़ते चढ़ते थक गए, नीचे से इतना नहीं दिख रहा है। नीचे से देखा तो ऐसा लगा आराम से चढ़ जाएंगे, बस चढ़ जाए। यहाँ का यहाँ पे डैम्स को डोर्स नहीं है, ऑटोमेटिकली एक लेवल के ऊपर आ गया तो पानी ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है। हो गया। ओ तो दोगे तो खाली पन उतर ले, क्या बात है मम्मा मम्मी। उतरता ना व्यू का है तो उतरा। आवाज से यहाँ से फॉर श्रीशलम, वहाँ पे यहाँ से श्रीशलम का डेंस पॉज चालू होगा। सो द कार विल बी हैंग ओवर टू अगेन वाइंस। चलो चलवाइए अगेन कार। मधे टाइगर आला तो घाबराय नहीं। और तू पण बोले मला पुढचे बोल, बिकॉज़ ऐसे मिस बहुत जन बोलते हैं कि बीच में कभी कभी टाइगर्स भी आ जाते हैं। आप ही मैं तो 2-3 times गई हूँ, आज तक तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट सुनने में आया है। एंड बिकॉज इट्स अगेंस्ट फॉरेस्ट आते भी है टाइगर्स, एलिफेंट्स भी आते हैं। मूंगफली ले रहे, मूंगफली। छोटे